हेलो एवरीवन आज का वीडियो थोड़ा शॉकिंग हो सकता है आप लोगों के लिए क्योंकि एज़ पर द स्टेटमेंट ऑफ़ द यूजीसी नो सिलेक्टिव यूज़ ऑफ़ सीयूटी फॉर एडमिशंस यानी कि यूजीसी ने कहा है कि सिलेक्टिव ही प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए सीयूटी लागू नहीं किया गया था बल्कि सभी प्रोग्राम्स के लिए किया गया था यानी कि अभी तक यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ चुनिंदा प्रोग्राम्स में ही सीयूटी लागू किया है लेकिन अभी जो लेटेस्ट सी का स्टेटमेंट आया है आ, उसके मुताबिक सी आ, उनका कहना है कि सिर्फ कुछ ही नहीं बल्कि सभी आ, प्रोग्राम्स में सी को लागू करना होगा आइए हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल में द जामिया मिल् इस्लामिया हैड ऑल्सो रिटर्न टू द मिनिस्ट्री सेंग इट विल यूज सी यू टी कोर्स फॉर एडमिशन टू टू वोकेशनल एंड सिक्स बी एनर कोर्सेज द प्रोपोजल्स वर बाई रजिस्टर्स ऑफ एम यू एंड जामिया मिलिया इस्लामिया जे और एएमयू दोनों ने ही मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया था एप्लीकेशन देके कि वो कुछ ही कोर्सेज़ में सीयूईटी लागू करेगा अगर सीयूईटी इस साल सक्सेसफुल रहता है उन कोर्सेज में तो वो अगले साल से फुल तर, पूरी तरह से अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेज में सीयूईटी लागू कर देगा मगर अभी जो स्टेटमेंट आया है उसके हिसाब से तो कुछ और ही है आइए आगे जानते हैं द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पिटीशन टू अलाउ इट टू रोल आउट दम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सी यू ई टी फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ़ कोर्सेज अपल्सो मेड बाई द डेली पेस्ट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हैज़ बीन शट डाउन बाई द सेंटर जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जाम मिल्ह ने सी ऊटी के पिटिशन को रोल आउट किया है उसको सेंटर ने शट डाउन कर दिया यानी कि उन्होंने बोला है कि ये यू जी के सारे कोर्सेज पर लागू होगा अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेस पर लागू होगा अट्ठाईस मार्च को एम ने ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखा था कि सी में वो एट अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेज रख रहे हैं जिसमें थ्री वोकेशनल कोर्स होंगे और फाइव बी ए प्रोग्राम्स होंगे जामिया ने भी यही कहा था कि वो अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेज में टू वोकेशनल और सिक्स बी ऑनर कोर्सेज रखेंगे लेकिन आज अभी के रिस्पांस जो आया है सेंटर का उन्होंने ये क्लियर कर दिया है इन दोनों यूनिवर्सिटी को कि सी यू ई टी जो कि फ़र्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में टेस्ट लिया जाएगा उसमें एप्लीकेशन जो होगी एप्लीकेबल है सभी एडमिशन्स के लिए यू जी ई सी यू जी प्रोग्राम्स में विद द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द एंट्रेंस स्टार्टिंग ऑन वेन्सडे यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस वेनसडे से स्टार्ट हो चुका है जैसा कि आपको बताया गया था यू ने सारे वाइस चांसलर्स फोर्टी फाइव यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को ये भी क्लैरिफाई किया था नोट डाउन दिस वर्ड क्लैरिफाई की इंस्टीट्यूशन में सिर्फ सी यू ई टी इस से ही अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस लिए जाएंगे यू ने वाइस चांसलर्स को इन्फॉर्म किया था क्लैरिफाई किया था कि इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ सी यू ई टी ही मुताबिक अंडर ग्रेजुएट एडमिशन होंगे आगे इन्होंने लिखा इट इज क्लैरिफाइड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज शुड यूज ओनली द स्कोर्स ऑफ सी यू ई टी वाइल एडमिटिंग द स्टूडेंट्स इन यू जी प्रोग्राम्स हाउर इन एक्टिविटी बेस्ड कोर्सेज सच एज फाइन आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा क्राइटेरिया मे बी चेंज यू जी सी सेक्रेटरी रजनीश जैन यू जी सी के सेक्रेटरी रजनीश जैन ने यह क्लेरिफाई किया था कि सभी कोर्सेज uh, में यू सी यू ई टी यूज़ होगा एक्सेप्ट फॉर एक्टिविटी बेस्ड कोर्सेज जो कि हैं फ़ाइन आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन इनका क्राइटेरिया थोड़ा डिफ्रेंट हो सकता है या चेंज हो सकता है बट बाकी सारे अंडर ग्रेजुएट सी यू ई टी के स्कोर के मुताबिक ही लिए जाएंगे तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि अब क्या रिस्पॉन्स लेगा जामिया और ए एम यू एम यू तो अब तक यही कह रहा था कि उसने अब तक डिसाइड ही नहीं किया है कि सी यू ई टी -E में उसके कोर्सेस जाएंगे वो परफॉर्म करेगा नहीं करेगा बट उसने न, बिना प्रेस रिलीज़ के अपने साइट पर सी यू ई टी सामर्थ पर अगर आप जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे ए एम यू जामिया या और कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो उन्होंने अपने कोर्सेस की लिस्ट दे दी है जो जो कॉमन टेस्ट में वो जो या तो सी टी में वो एनरोल कर रहे हैं पर अब आगे क्या होगा उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आ, दो चार दिन में जामिया और एम यू अपनी अपनी बात कहेंगे ही जैसा सेंटर ने बोला है कि अब उन्हें सभी अंडर ग्रेजुएट को एडमिशन सिर्फ सी यू ई टी से लेने हैं तो इस पर जामिया और एम यू का रिस्पॉन्स क्या होगा वो लाएंगे सभी में या नहीं लाएंगे जो भी होगा वो आपको दो चार दिन के अंदर कन्फर्म पता चल जाएगा आपको फ़िलहाल बस इस चीज़ का टेंशन लेना है यानी मतलब प्रपेशन करना है कि आप टेस्ट कैसे क्लियर करेंगे आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोर्स जिसमें आप लेना चाह रहे हैं उन सब के एलिजिबल क्राइटेरिया को समझना है अगर आप पांच यूनिवर्सिटीज़ में दे रहे हैं तो पांच यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग उसी कोर्स के उसी प्रोग्राम के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ होंगे कहीं जनरल टेस्ट के थ्रू होगा कहीं डोमेन स्पेसिफिक की कहीं कई लैंग्वेज के थ्रू तो आपको वो चीज़ आ,